दोस्तों, ये जो बिहार बोर्ड कर रहा है ना मैट्रिक के छात्रों के साथ, वो बहुत ही गलत कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे पिछली बार के मतलब 2022 में हमारे पास, मतलब अभी 2022 जो बच्चे यहाँ पे स्क्रूटनी के फॉर्म फिल किए थे, उसका हमारे पास कमेंट आया है कि सर यहाँ पे अब बताइए कि पिछले बार भी यहाँ पे फॉर्म फिल करवा लिया, लेकिन अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। तो इस बार तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे केस कर चुके हैं, समझे। इस बार अभी काफ़ी बच्चे यहाँ पे केस कर चुके हैं, हो सकता है कि इस बार जारी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बच्चे केस किए हैं, ऐसा सुनने में आया है। इसलिए दोस्तों, अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी इंतज़ार कीजिए। 5 से 10 दिन में आपको जानकारी मिल जाएगा कि बिहार बोर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं। और ये बात है कि यहाँ पे मीडिया वाले जो है ना, मीडिया वाले भी आवाज़ नहीं उठा रहे कि हाँ यहाँ पे बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे मीडिया वाले का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे मीडिया वाले आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हम बता दें, अभी आप इंतज़ार कीजिए। इसके बाद अगर कोई भी अपडेट आता है, या मीडिया वाले अपडेट कर देते हैं, या बच्चे की तरफ से कोई अपडेट आता है, बिहार बोर्ड की तरफ से कोई अपडेट आता है, तो हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे।